गरीब बेटा पहलवान। मंगलपुर नाम के एक छोटे से शहर में एक जगह पर रतन नाम का एक व्यक्ति लॉरी और दूसरे गाड़ियों के पंचर बनाते हुए, टायर बदलते हुए अपना जीवन गुजारता था। वो एक छोटे से घर में पत्नी निर्मला और बेटा राजू के साथ जीता था। राजू बचपन से ही ठीक से पढ़ नहीं पाया, मगर वो पहलवान लोगों को गौर करता था। बड़ा होने के बाद उनके जैसे ही एक पहलवान बनने की इच्छा उसमें बढ़ने लगी। रतन के घर के पास में एक जगह पर मोती पहलवान की एक व्यायाम शाला थी। मोती पहलवान अपने पास ट्रेनिंग लेने वाले पहलवानों को दिखे, जैसे जो पुरस्कार उसे अलग अलग कुश्ती प्रतियोगिताओं में मिले थे उन्हें सजा कर रखता था। व्यायाम करने वाले पहलवानों से मोती पहलवान, ये सब राज्य स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में जीते हुए पुरस्कार है, आप लोग कम से कम जिला स्तर तक भी नहीं पहुंच सकते, पता है क्या, कहकर घमंड से बात करता था। एक बार राजू मोती पहलवान के पास जाकर, मैं भी आपके जैसे बनूंगा, मुझे भी कुश्ती सिखाइए ना, कहकर पूछा। मोती पहलवान, तब तुम एक सुकड़े बच्चे हो, मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने होंगे, जाओ जाकर पंचर बनाते हुए या तुम्हारे पिता के कहे जैसे पढ़कर जियो, जाओ, कहा। राहुल बहुत अपमानित महसूस होकर कुछ भी करके बड़ा पहलवान बनना है कहकर ठान लेता है। तब से अपने पिता के पास मौजूद टायरों से प्रैक्टिस करना शुरू करता है। पहले छोटे छोटे टायरों से एक्सरसाइज करने लगा। बड़ा होने के बाद टायरों से बेंच प्रेस करना, पीठ के ऊपर टायर्स रखकर एब्डोमिन एक्सरसाइज करना, ऐसे तरह तरह के एक्सरसाइज करके शरीर को दृढ़ बनाने लगा। हेल्दी खाना भी खाने लगा। ऐसे उसका अच्छा बॉडी बनने लगा। राजू टायर्स को लटकाकर बॉक्सिंग ग्लोव्स पहनकर उन्हें पंच करते हुए प्रैक्टिस करता था। राजू बड़े बड़े पत्थरों को उठाना, पहाड़ों पे चढ़ना, रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ते हुए कठिन परिश्रम करने लगा। एक बार वो अपने शरीर को देखते हुए, धीरे धीरे मेरे शरीर में बदलाव दिखाई दे रहा है, कहकर सोचा। अगले दिन सुबह मोती पहलवान के पास जाकर, अब मुझे देखिए, कम से कम अब तो भी मुझे कुश्ती सिखाइए ना, कहकर पूछा मोती पहलवान। रे बच्चो, दो पत्थरों को उठाते ही बड़े पहलवान बन गए कहकर सोच रहे हो क्या, उसके लिए कठोर परिश्रम की जरूरत है, तुमसे ना हो पाएगा, फिर कभी मेरे पास मत आना, कहा। राजू सर झुकाकर चुपचाप वहाँ से जाने लगा तो ये सब एक बूढ़ा आदमी जो एक पूर्व पहलवान था वो गौर कर रहा था। वो राजू के पास आकर, तुम कौन हो बेटा, ऐसे क्यों हो, कहकर पूछा। राजू बचपन से उसने जितने अपमान सहे थे उनके बारे में उसे बताया। वो आदमी, मेरा नाम बलवंत सिंह है, जवानी में मैं भी पहलवान था, मैं कई सारे प्रतियोगिताएं जीत चुका हूँ, मैं तुम्हें कुश्ती सिखाकर तुम्हें एक बड़ा पहलवान बनाऊंगा, ठीक है, कहा। राजू बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। अगले दिन से बलवंत सिंह के कहे जैसे राजू ट्रैक्टर को ढकेलना, पेड़ के डाली को ऊपर नीचे करना, बाइक उठाना, रनिंग करना, जैसे तरह तरह के एक्सरसाइज करते हुए बलवंत सिंह के निगरानी में ट्रेनिंग लेने लगा। बलवंत सिंह की सलाह के प्रकार वो रनिंग बहुत ज्यादा करने लगा। राजू का शरीर हट्टा कट्टा बन गया था। बलवंत सिंह राजू से, तुम अब प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, कहा। राजू बलवंत सिंह की सलाह के प्रकार उस शहर में दशहरा के उत्सव में आयोजित होने वाले कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर मोती पहलवान के स्टूडेंट से खेलकर जीत गया। राजू मोती पहलवान से भी जीत गया।
तब बलवंत सिंह मोती पहलवान से, हर बार हमारी जीत होगी कहकर कभी अकड़ना नहीं चाहिए। छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी तो उस मछली को खाने वाली बड़ी मछली भी रहेगी, ये याद रखना। तुम घमंड से अपने गुरु का ही अपमान किए थे, अब मेरा शिष्य जिसे तुमने तिरस्कार किया था आज उसी राजू के हाथों तुम और तुम्हारे शिष्य हारे हैं, याद रखना, कहा मोती पहलवान। तब गुरुजी मुझे माफ कीजिए, लगातार जीतने के वजह से मैं घमंडी बन गया था, घमंड के कारण मैं अंधा हो गया, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, कहकर गुरु के पैर पकड़ लिया। ये सब देखकर राजू, बलवंत सिंह मोती पहलवान के गुरु है क्या, कहकर आश्चर्य में पड़ गया। राजू भी बलवंत सिंह का आशीर्वाद लिया। राजू को उठाकर बलवंत सिंह, तुम हीरे हो राजू, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी चाह तुम्हें आज इस स्तर पर पहुंचाए, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, कहकर चूमा, उसके आंखें भरे।